पाकिस्तान की गलती ने बनाया मिस्टर परफेक्शनिस्ट को मर्डरर। लगता है कोरोना वायरस के डर ने पाकिस्तान के दिमाग पर भी असर डाल दिया है। तभी तो इतने गंभीर समय में भी एक तरफ सरहद पार से फायरिंग की खबरें नहीं रुक रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की बेवकूफाना हरकत सामने आई है। हुआ यूं कि एक पाकिस्तानी चैनल ने MQM लीडर और मर्डर के आरोपी की खबर चलाई। खबर तक तो ठीक था, लेकिन ये क्या, चैनल ने अपनी खबर में असली मर्डरर की जगह गलती से बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फोटो चला दी। दरअसल खबर में मर्डरर का नाम आमिर खान ही था, इसीलिए ये चैनल इतना कंफ्यूज हो गया कि जल्दबाजी में आमिर खान की फोटो खबर के साथ चिपका दी। बस फिर क्या था, हर तरफ पाकिस्तानी चैनल का मजाक उड़ने लगा। एक जर्नलिस्ट ने इस पूरे वाक्य को अपने ट्विटर पर शेयर किया। जैसे ही गलती पाकिस्तानी चैनल को समझ आई, उसने तुरंत अपनी गलती मानकर उसे सुधार लिया। पाकिस्तान की बेहद बेवकूफाना हरकत का हर तरफ मजाक बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आमिर खान का रिएक्शन अभी नहीं आया है, लेकिन अगर वो भी इस खबर को पढ़ेंगे तो यकीनन पाकिस्तान की जहालत पर हंसेंगे। वेल, वर्क फ्रंट की बात करें तो लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग रीस्टार्ट करेंगे। वैसे तो फिल्म को क्रिसमस 2020 पर रिलीज होना है, लेकिन काम अगर टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो फिल्म को नेक्स्ट ईयर के लिए पुश भी किया जा सकता है। वैसे फिल्म का 2021 के लिए खिसकना लगभग तय माना जा रहा है। E24 के लिए नम्रता शर्मा की रिपोर्ट।